गुड इवनिंग टू एवरीवन, यूपीएससी डेली क्विज सीरीज में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड नंबर 88। पहला प्रश्न, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद में ये कहा गया है कि किसी भी नागरिक को सार्वजनिक धन से बनाए गए कुएं, टैंक और जो स्नान घाट है वहां तक पहुंचने से वंचित नहीं किया जा सकता। जिसका सिंपल सा मतलब है कि सरकार कोई चीज़ बनाती है, कोई कुएं घाट इत्यादि बनाती है, तो किसी को भी वहां नहाने से, धोने से, कुछ कार्य करने से नहीं रोका जा सकता। सिंपल सा प्रश्न है। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 20। तो बताइए कौन सा अनुच्छेद इस चीज़ की व्याख्या करता है। देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 15। अगला प्रश्न देखते हैं। न्यूजीलैंड निम्नलिखित में से किस एक द्वीप समूह का हिस्सा माना जाता है? ऑप्शन ए माइक्रोनेशिया, ऑप्शन बी मेलानेशिया, ऑप्शन सी पॉलिनेशिया या ऑप्शन डी हवाई द्वीप श्रृंखला। अब इतना सा तो मैं बता सकता हूँ कि ये हवाई द्वीप का तो नहीं होगा, क्योंकि हवाई द्वीप हुआ अमेरिका वगैरह में। बताइए तीन में से कौन सा है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, पॉलिनेशिया के अंदर। अगला प्रश्न, बर्नाडी वन्य जीव अभयारण्य BWS भारत के निम्नलिखित में से किस उत्तर पूर्वी राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी मिजोरम या ऑप्शन डी असम। इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी असम के अंदर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा देश कोरल ट्रायंगल सिटी का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी इंडोनेशिया, ऑप्शन सी मलेशिया या ऑप्शन डी फिलीपींस। बताइए इनमें से कौन सा आंसर होगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया नहीं है। अगला प्रश्न, एविएशन टर्बाइन फ्यूल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन कह रहा है यह एक मिट्टी के तेल पर आधारित ईंधन है जिसका उपयोग जेट या टर्बोप्राप इंजनों को चलाने के लिए किया जाता है। दूसरा कथन ये कह रहा है यह GST शासन के अधीन, मतलब इसमें GST के अंडर में नहीं आता। आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, दोनों सही है या दोनों में से कोई भी सही नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, दोनों सही है। अगला प्रश्न देखिए, टू हैव एन ऑर्डर ऑफ एन अथॉरिटी इनवैलिडेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स ऑर्डर्स ऑफ द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इज साउट। सिंपल सा मतलब ये है, कोई अधिकारी या कोई अथॉरिटी यदि आपके कोई ऑर्डर को इनवैलिडेट कर देती है तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से कौन सी रिट जारी कर सकती है? आपके ऑप्शन है परमादेश, दूसरा ऑप्शन है प्रमाणन सैटियोरी, ऑप्शन सी अधिकार पृच्छा को वारंटो या ऑप्शन डी बंदी प्रत्यक्षीकरण या बस स्कॉर्पियस। देखो बंदी प्रत्यक्षीकरण तो तभी लागू किया जाता है जब आपको बेवजह जेल में ठूस दिया जाए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सैटियोरी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा समन पक्षी अभयारण्य के बारे में सही कथन है? पहला कथन कह रहा है कि यह MP में स्थित है और दूसरा कथन ये है कि यह एक रामसर साइट्स है। आपके ऑप्शन है केवल एक या दोनों कथन सही है, या केवल दूसरा कथन सही है, या दोनों में से कोई भी कथन सही नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि ये कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विधेयक पर राष्ट्रपति को आगे विचार के लिए वापस भेजे बिना हस्ताक्षर करना चाहिए? समझ में ना आया तो मैं समझा देता हूँ। राष्ट्रपति को ऐसा कौन सा बिल है जिस पर ज़्यादा ज्ञानबाजी नहीं करनी चाहिए, सीधा हस्ताक्षर किया, साइन किया, वापस भेज दे, वापस विचार करने के लिए नहीं भेज सकता वो। आपके ऑप्शन है साधारण बिल, दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि मनी बिल, तीसरा ऑप्शन संसद के दोनों विधेयक, दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक या ऑप्शन डी संविधान संशोधन वाला विधेयक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मनी विधेयक, मनी बिल। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या कह रहा है देखिए देखते हैं, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी सेवानिवृत्त न्यायाधीश को भारत के राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में बैठने और कार्य करने के लिए वापस बुलाया जा सकता है। इतनी रामकथा करने का मतलब यह है कि यदि कोई जज रिटायर हो जाता है सर्वोच्च न्यायालय से, सुप्रीम कोर्ट से, तो क्या उसको कार्य करने के लिए वापस बुलाया जा सकता है? और ऑप्शन में ये कह रहा है कि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से जो सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होता है वो उस जज को वापस बुला सकता है। दूसरा कथन ये कह रहा है कि भारत में एक जो हाई कोर्ट है उसके पास भी अपने खुद के निर्णय की समीक्षा करने की शक्ति है जैसे सुप्रीम कोर्ट करता है। आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, या दोनों कथन सही है, या दोनों में से कोई भी कथन सही नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं,
निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे और स्वीडन। इन देशों को संयुक्त रूप से क्या कहा जा सकता है? पहला ऑप्शन है नॉर्डिक देश, दूसरा ऑप्शन है स्कैंडिनेवियाई देश, तीसरा है बाल्टिक देश या चौथा स्लाव देश। अब इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, नॉर्डिक देश कहा जाता है। अगला प्रश्न, हाल ही में खबरों में रही अगस्त्यरकूडम चोटी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए कर्नाटक, केरल, आंध्र या इन तीनों में से कहीं पर भी स्थित नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, केरल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ग्लोबल हंगर इंडेक्स का संकेतक नहीं है? ऑप्शन ए अल्प पोषण, ऑप्शन बी मोटापा, ऑप्शन सी बाल स्टंटिंग या ऑप्शन डी बाल मृत्यु दर। बताइए इनमें से कौन सा संकेतक नहीं है, कौन सा इंडिकेशन नहीं है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, मोटापा। अब इतना तुक्का तो मैं भी लगा सकता हूँ। चलिए आगे, क्वासिक क्रिस्टल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है, क्वासिक क्रिस्टल में परमाणु को एक पैटर्न में व्यवस्थित किया जाता है जो अनियमित फिर भी अनुमानित अंतराल पर खुद को दोहराता रहता है। ऑप्शन जो दूसरा कथन है, क्वासिक क्रिस्टल की एक संरचना होती है जो क्रमबद्ध होती है लेकिन ये ज़्यादा आवधिक नहीं होती है। तीसरा कथन, कोई भी प्राकृतिक क्वासिक क्रिस्टल है ही नहीं क्योंकि ये सारे प्रयोगशालाओं में या रिसर्च सेंटर्स पर बनाए जाते हैं, लेबोरेटरीज में। आपको ये बताना इनमें से तीनों में से कौन सा कथन सही है। नहीं समझ में आ रहा है, रुकिए, बैक लीजिए, वापस सुनिए और पढ़कर फिर बताइए। पहला ऑप्शन है केवल एक और दो, दूसरा ऑप्शन है दो और तीन, तीसरा ऑप्शन है केवल एक और तीन या ऑप्शन डी सारे कथन सही हैं। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, थ्वाइट्स ग्लेशियर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपका पहला कथन है यह ग्रीनलैंड में स्थित है, दूसरा कथन इसे डूम्सडे ग्लेशियर के नाम से भी जाना जाता है। आपके ऑप्शन वही है केवल एक, केवल दो, दोनों कथन सही या दोनों में से कोई भी कथन सही नहीं है। आपका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा क्योंकि ग्रीनलैंड में स्थित नहीं है, वेस्टर्न अंटार्कटिका में स्थित है। अगला प्रश्न, भारत में सबसे पहले कौन से शासकों ने सोने के सिक्के जारी किए? ऑप्शन ए मौर्य शासकों ने, दूसरा इंडो ग्रीक, तीसरा गुप्त या चौथा कुषाण शासकों ने। राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, इंडो ग्रीक राजाओं ने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे। अगला प्रश्न, संगम साहित्य के जो जुड़वा महाकाव्य हैं सिलप्पाधिगरम और मणिमेखलई, इन काव्यों के अंदर किस धार्मिक या गैर धार्मिक प्रथाओं से संबंधित चीज़ें बताई गई हैं? आपके ऑप्शन है जैन धर्म से, ऑप्शन बी बौद्ध धर्म, ऑप्शन सी हिंदू धर्म या ऑप्शन डी नास्तिकता से। आपका ऑप्शन है, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, सरना धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन कह रहा है ये वे प्रकृति पूजक होते हैं, मतलब प्रकृति की आराधना करते हैं। दूसरा ऑप्शन ये कह रहा है, जो दूसरा कथन है कि सरना मत को मानने वाले लोग मूर्ति पूजा नहीं करते हैं। तीसरा कथन, वे मुख्य रूप से ओडिशा झारखंड के आदिवासी बेल्ट राज्यों में केंद्रित हैं जैसे बिहार, पश्चिम बंगाल और असम आदि राज्यों में भी स्थित है। आपको बताना इनमें से कौन से कथन तीनों में से कौन से कथन सही है। पहला ऑप्शन आपका एक और तीन, दूसरा ऑप्शन दो और तीन या तीसरा कथन सभी सही है या चौथा कथन कोई भी सही नहीं है। ये सारे प्रश्न जो है ये कहीं ना कहीं न्यूज़ में चलते रहते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, सभी कथन सही है। अगला प्रश्न, राइट टू वोट मतदान का अधिकार क्या माना जाता है? राजनीतिक अधिकार, नागरिक अधिकार, आर्थिक अधिकार या कानूनी अधिकार, बताइए। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, राजनीतिक अधिकार। अगला प्रश्न, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन है, जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होते हैं वो सिर्फ इंपोर्ट करने वाले जो वस्तुएं होती हैं उनके शुल्क को कम करते हैं, बस उन पर जो ड्यूटीज़ वगैरह लगाई जाती है उनको कम किया जाता है। दूसरा ऑप्शन ये कह रहा है, जो मुक्त व्यापार समझौते हैं ये दो देशों के बीच व्यापार के लिए बाधाओं को बढ़ाते हैं, मतलब प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। ऑप्शन सी, जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो देशों के बीच व्यापार की बाधाओं को कम करते हैं। ऑप्शन डी, मुक्त व्यापार समझौते केवल वस्तुओं पर लागू होते हैं, सेवाओं पर लागू नहीं होते हैं। आप बताएं इनमें से कौन सा कथन सही है। तो इतना मैं बता सकता हूँ कि इसमें से ये दूसरा वाला तो नहीं होगा।
इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि वो प्रॉब्लम्स को कम करते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन ये कह रहा है, निक्षय पोषण योजना 2018 में राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के हिस्से के रूप में शुरू की गई थी। दूसरा कथन यह राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत एक केंद्र क्षेत्र की योजना है। आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, दोनों या दोनों में से कोई भी नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, नौसैनिक अभ्यास बोंगो सागर निम्नलिखित में से किन देशों के बीच में आयोजित किया जाता है। ऑप्शन ए भारत और बांग्लादेश, ऑप्शन बी भारत और ब्रुनेई, ऑप्शन सी भारत और बोत्सवाना या ऑप्शन डी चीन और बांग्लादेश। इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत और बांग्लादेश। नाम से ही पता चल रहा है बोंगो ओ इत्यादि। देखो हर चीज़ रटना जरूरी नहीं है, इतना रटोगे कैपेसिटी होती है माइंड की, ज़्यादा रटोगे दिमाग हो जाएगा खराब और एग्जाम में जो याद होगा वो भी भूल जाओगे। इसलिए स्मार्ट तरीके से प्रश्नों को सॉल्व करने का अभ्यास कीजिए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी योजना मेरी पॉलिसी मेरे हाथ एक डोर स्टेप वितरण अभियान शुरू करेगी। आपका ऑप्शन है आयुष्मान योजना, दूसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ऑप्शन सी आम आदमी बीमा योजना या ऑप्शन डी कर्मचारी राज्य बीमा योजना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए, नीचे दिए गए कूट में से पेंगोत्सो जो झील है उसके बारे में गलत कथन की पहचान करनी है। गलत कथन सही कथन नहीं है। पहला कथन यह कह रहा है कि यह भारत चीन सीमा में स्थित एक स्थल रुद्ध झील है। दूसरा कथन जो दूसरा ऑप्शन है ये बोल रहा है ये भारत के नियंत्रण में लगभग 45 किलोमीटर पेंगोत्सो झील का एरिया आता है। तीसरा ऑप्शन ये कह रहा है कि ये जो झील है इस झील का 2/3 मतलब वो थर्ड जो हिस्सा है वो चीन के पास नियंत्रण में है, या ऑप्शन डी यह विश्व की सबसे ऊंची मीठे पानी की झील है। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन गलत है, सही कथन नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भाई मीठे पानी की झील मैंने तो आज तक कभी सुनी नहीं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, लोकसभा के उपाध्यक्ष के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन ये कह रहा है कि राष्ट्रपति उपाध्यक्ष के चुनाव के लिए तिथि निर्धारित करेगा, डेट डिक्लेयर कौन करेगा, राष्ट्रपति ये कह रहा है। दूसरा कथन में क्या कह रहा है कि यदि कोई उपाध्यक्ष जैसे मान लो अध्यक्ष नहीं हो और यदि अध्यक्ष के जो उपाध्यक्ष यदि अध्यक्षता करता है उस सदन की तो उसके पास वैसे अधिकार नहीं होंगे जो अध्यक्ष को मिलते हैं। तो आपको इनमें से बताना है कौन से कथन सही है, पहला कथन सही है या दूसरा कथन सही है, दोनों कथन सही है या दोनों में से कोई भी कथन सही नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखो दोनों कथन ही गलत है, क्योंकि उपाध्यक्ष के तारीख जो चुनाव होते हैं उसकी तारीख अध्यक्ष डिक्लेयर करता है, अध्यक्ष के चुनाव की जो डेट है वो राष्ट्रपति डिक्लेयर करता है। और दूसरा कथन वैसे गलत है, क्योंकि जब भी उपाध्यक्ष अध्यक्ष की जगह बैठेगा मतलब सदन में काम करेगा तो उसको सारे राइट्स वैसे ही मिलेंगे जो अध्यक्ष को मिलते हैं, तो दूसरा कथन भी गलत हो जाता है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। चिली अर्जेंटीना बोलीविया को लिथियम त्रिकोण के रूप में जाना जाता है। लिथियम आयन बैटरी में उच्च ऊर्जा घनत्व पाया जाता है। अब आप बताइए कौन सा कथन सही है, केवल एक, केवल दो, दोनों कथन या दोनों में से कोई भी कथन सही नहीं है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी, दोनों कथन ही सही है। अगला प्रश्न, गौण जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है ये ज़्यादातर जो अधिकतर है MP, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में रहते हैं। दूसरा कथन ये कहता है ये प्रमुख रूप से गोंडी भाषा बोलते हैं जो ऑस्ट्रेलो मेलनेशियन परिवार की लिखित भाषा है। आप बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है, केवल एक, केवल दो, दोनों या कोई नहीं। इसका राइट आंसर, राइट उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में 0 रुपये नोट जारी करने का उद्देश्य क्या है। पहला कथन भारत में भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी से लड़ने के लिए। दूसरा ऑप्शन है जो दृष्टिहीन लोग हैं वो नोट्स की संरचना को समझ सके इसके लिए बनाया गया है। ऑप्शन सी छात्रों को नोट्स के बारे में पढ़ाने के लिए इसे नमूने के रूप में स्कूलों में वितरित करना, या ऑप्शन डी इनमें से कोई भी सही नहीं है। बताइए क्या उद्देश्य हो सकता है इसका। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से विरोध के अधिकार के बारे में सही कथन है। यह मौलिक अधिकारों के तहत एक स्पष्ट अधिकार नहीं है। दूसरा, इसे अनुच्छेद 21 के तहत अधिकार से प्राप्त किया जा सकता है।
आपके वही कथन केवल एक, केवल दो, दोनों या कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि जो यह अनुच्छेद 21 के तहत नहीं है, यह अनुच्छेद 19 के तहत हम देख सकते हैं इसको फ्रीडम एंड एक्सप्रेशन के रूप में। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अध्यादेश के बारे में गलत कथन है, बताइए। पहला कथन ये कह रहा है कि राष्ट्रपति की अध्यादेश बनाने की शक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 में अंकित है, और दूसरा कथन इसे तभी जारी किया जा सकता है जब सदन का कोई सत्र नहीं चल रहा हो। आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, दोनों या कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दोनों ही कथन सही है। प्रश्न में पूछा गया था कौन सा कथन गलत है, तो दोनों कथन सही है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा फिस्कल जो पॉलिसी बनाते हैं राजकोषीय नीति, उनमें इनमें से किस चीज़ को नहीं देखते हैं, कौन सा उसका साधन नहीं है। ऑप्शन ए टैक्सेशन कराधान, ऑप्शन बी सार्वजनिक व्यय एक्सपेंडिचर, या ऑप्शन सी सार्वजनिक ऋण, या ऑप्शन डी क्रेडिट रेशनिंग। इसका भी राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, क्रेडिट रेशनिंग को उसमें शामिल नहीं किया जाता। अगला प्रश्न देखते हैं, निर्माण से शक्ति पहल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आपका जो पहला कथन कह रहा है यह शहरी आवास योजना के रूप में है, या ग्रामीण आवास, दूसरा कथन है ग्रामीण आवास योजना के रूप में, तीसरा कथन जो ऑप्शन है आपका परियोजनाओं के लिए गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र है, या ऑप्शन डी अस्पताल के बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण करने के लिए ESIC की पहल है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अस्पतालों के ढांचे के आधुनिकीकरण करने के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत के मरुस्थलीकरण और भूमि क्षरण एटलस को प्रकाशित करता है। आपके ऑप्शन है इसरो, आपका दूसरा जो ऑप्शन है वह ग्रामीण विकास मंत्रालय, ऑप्शन सी नासा, या ऑप्शन डी UNCCD। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसरो द्वारा यह प्रकाशित किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, भारत के संदर्भ में मुद्रा संकट के जोखिम को कम करने के लिए निम्नलिखित कारकों में से कौन सा योगदान करता है ज़्यादा है, मतलब यदि मुद्रा का संकट आ गया इंडिया के अंदर तो हम इनमें से कौन से उपाय देख सकते हैं। आपके ऑप्शन है जैसे पहला कथन कह रहा है कि भारत के जो IT क्षेत्र है उसकी विदेशी मुद्रा है, दूसरा कथन कह रहा है सरकारी खर्च को बढ़ा दें, मतलब मुद्रा का संकट हो रहा है और हम सरकारी खर्च को खूब बढ़ाएं, मतलब मार्केट में खूब सप्लाई करें पैसों की, सबके पास पैसा दे दें ताकि संकट आए नहीं। तीसरा कथन ये कह रहा है कि विदेशों में भारतीयों से प्रेषण रेमिटेंस प्राप्त करें हम ज़्यादा। आपके ऑप्शन है केवल पहला कथन सही है, जो पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि एक और तीन सही है, तीसरा कथन केवल दूसरा सही है, या ऑप्शन डी तीनों के तीनों कथन ही सही है, बताइए इनमें से। देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा कथन गलत है, बाकी दोनों कथन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है और ये बताना है कौन सा कथन सही है इन दोनों में से। पहला जो कथन कह रहा है वो ये कह रहा है कि इस योजना का उद्देश्य समाज में बालिकाओं के जन्म और उनके अधिकारों के प्रति व्यवहार में जो दकियानुसी रूढ़िवादी व्यवहार था उसको बदलना है, उसमें परिवर्तन लाना है। दूसरा कथन ये कह रहा है कि इसका इंप्लीमेंटेशन महिला बाल विकास योजना मंत्रालय द्वारा किया जाता है। आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, दोनों कथन सही है, या दोनों कथन गलत है। इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि ये इस मंत्रालय द्वारा इंप्लीमेंट नहीं की जा रही है। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि राज्यपाल के बारे में गलत कथन का चयन करना है। पहला कथन ये कह रहा है कि राज्यपाल राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख होता है, मुखिया होता है, और दूसरा ये कह रहा है कि राज्यपाल को 5 साल के लिए चुना जाता है और उसका रीअपॉइंट भी किया जा सकता है। आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, दोनों कथन, या दोनों में से कोई भी कथन सही नहीं है। इसमें गलत कथन की पहचान करनी है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि दोनों कथन ही सही है। अगला प्रश्न देखिए, भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा, 2023, 2024, 2025, 2026। हालांकि ये प्रश्न UPSC में नहीं आने वाला, बट फिर भी नॉलेज के लिए कई बार जो लोअर ग्रेड की एग्जाम होती है स्टेट की, वहाँ पर इस प्रकार के अटपटे टाइप के प्रश्न कई बार पूछ लिए जाते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, 2023 में, अभी तक तो है, बाकी पता नहीं कब लॉन्च होगा तब देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे अन्य कुछ नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।